मांग पत्र सौंप रहे हैं, कई जगह रैलियां भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है हमारे बारे में कुछ भी विचार नहीं कर रही है। आज हम सड़क पर घूम रहे हैं, पूरे बेरोजगार हैं, हमारे सामने बड़ी समस्या है, आर्थिक और मानसिक पीड़ा से हम गुजर रहे हैं। आपने राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया, यहाँ भी ज्ञापन दिया, कोई आश्वासन मिला है? आश्वासन प्रत्येक दिन मिलते हैं कि आपकी नियुक्ति कल से शुरू होगी, काउंसलिंग कल से शुरू होगी, लेकिन हमें आज तक कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तक हमारी जो पोस्ट हैं, किस विषय में कितनी पोस्ट हैं, ये भी क्लियर नहीं है। आयु सीमा क्या है, ये भी क्लियर नहीं है। मूल निवासी मुद्दा क्या है, ये भी क्लियर नहीं है। सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि स्थायी शिक्षक भर्ती जो है शीघ्र अति शीघ्र हो, हम बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। शासन स्तर से कोई बात हुई है आपकी, शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो? आज हम हमारे मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी से भी मिले हैं, सीएम हाउस जाकर उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द शिक्षा भर्ती होगी, लेकिन हम आश्वासन पर अब विश्वास नहीं करेंगे और जल्द से जल्द प्रदेश स्तरीय हम बहुत बड़ा आंदोलन भी करेंगे। कब से होने वाला आंदोलन, क्या प्रमुख अपना रुख अपनाने वाले? आंदोलन हमारा 19 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगा और तब तक हमारा आंदोलन और प्रदर्शन चलेगा जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाएगा। क्या आंदोलन रहेगा, लगभग क्या करने वाले? आंदोलन में हम करें।